हमास के खिलाफ एक साल से ज्यादा समय से शुरू किए गए अभियान में इसराइल को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। इजरायली सैनिकों ने हमास के मुखिया और इसराइल के ऊपर किए गए सबसे बड़े हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया। शनिवार की हत्या के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू का हौसला सातवें आसमान पर है। नेतन्याहू ने अपने जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि इजरायल ने हिसाब चुकता कर लिया है। साथ ही संकेत दिया है कि अभी गाजा युद्ध खत्म नहीं हुआ है। यहां शनिवार की मौत ने हमास को गाजा में जख्मी हालत में अकेला छोड़ दिया। इससे गाजा युद्ध के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हमास के नेता के रूप में उसकी जगह कौन लेगा। शनिवार हमास में एक खालीपन छोड़ गया जिसे भरना आसान नहीं होगा और उसका प्रभाव भी कम नहीं होगा, क्योंकि उसने हमास को सैन्य रूप से हिजबुल्ला और ईरान से जोड़ कर रखा था। ऐसा नहीं है कि शनिवार की मौत के बाद हमास का वजूद खत्म हो जाएगा, बल्कि अभी भी कई खतरनाक नेता हमास की बागडोर संभालने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं इस कड़ी में वो कौन कौन से नेता है जो शनिवार की जगह ले सकते हैं। खालिद मिशाल को हमास का नया नेता माना जा रहा है। मिशाल को दुनिया भर में तब पहचान मिली थी जब 1997 में इसराइल एजेंटों ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में उनकी असफल हत्या की कोशिश की थी। मिशाल को जहर का इंजेक्शन लगाया गया था, लेकिन वह बच निकले। 68 साल के मिशाल को इसराइल की ओर से खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वह निर्वासन के दौरान हमास के नेता बन गए। खलील अल हया, शनिवार के उत्तराधिकारी के लिए सबसे प्रमुख नामों में राजनीतिक ब्यूरो में उनके डिप्टी खलील अल हया हैं, जो वर्तमान में इसराइल के साथ युद्ध विराम तक पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के तहत बातचीत के लिए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हैं और विदेशों में अपने सहयोगियों के साथ आधिकारिक बैठकों का आयोजन भी करते हैं। मौसा अबू मरजोक, वहीं दूसरी ओर हमास के राजनीतिक ब्यूरो का सदस्य और संस्थापकों में से एक मौसा अबू मरजोक के नाम की भी चर्चा है। उसने संयुक्त अरब अमीरात से सियासत शुरू की थी। उसने फिलिस्तीन के मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखा स्थापित की। इसके बाद उसने अमेरिका में इस्लामिक संस्थाओं की स्थापना की। 1996 में उस पर इसराइल ने हमलों की फंडिंग करने का आरोप लगाया था। वह 22 महीने तक मैनहट्टन जेल में भी रहा। बाद में अमेरिका ने उसको जॉर्डन निर्वासित कर दिया। ज़हीर जबरी, इसके साथ ही वेस्ट बैंक में हमास के प्रमुख ज़हीर जबरीन के भी आने वाले समय में शनिवार के बाद प्रतिरोध का नेतृत्व करने की संभावना है, क्योंकि सालेह अल अरौरी को 2021 में वेस्ट बैंक में आंदोलन का उपप्रमुख चुना गया था। अल अरौरी की हत्या के बाद बेरूत में ज़हीर जबरीन वेस्ट बैंक में आंदोलन के कार्यवाहक प्रमुख बने। मोहम्मद इस्माइल दरविश, शनिवार के उत्तराधिकारी के लिए मोहम्मद इस्माइल दरविश भी एक संभावित नाम है, क्योंकि वह प्रतिरोध की शूरा परिषद का प्रमुख है। रिपोर्ट के अनुसार हमास के अंदर उनके ईरान के साथ मजबूत संबंध हैं और वह तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या के बाद सफल होने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार थे। बता दें कि बुधवार की सुबह इजरायली सेना की 410वीं बटालियन के एक सैनिक ने राफा में ताल अल सुल्तान में एक घर में एक व्यक्ति को प्रवेश करते और बाहर निकलते देखा, जो कि हथियारबंद था। पैदल सेना बल ने उस आधार पर लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इस दौरान तीन संदिग्ध व्यक्ति एक दूसरे से घर में आते जाते दिखे। माना गया कि ये शनिवार के साथी थे जिन्होंने उसके लिए रास्ता खोलने की कोशिश की। फिर इजरायली बलों ने उन्हें मार गिराने के मकसद से उन पर गोलियां चलाई, जिसके बाद शनिवार का दस्ता अलग हो गया और वह एक इमारत में घुस गया। दस्ते का दूसरा हिस्सा दूसरी इमारत में घुस गया और फिर एक इजरायली टैंक ने उस इमारत पर गोला दाग दिया। दोनों तरफ से गोलियां चली और शनिवार उसके साथियों की ओर दो बम फेंके गए, जिससे उनके बीच संचार टूट गया। इजरायली सैनिकों के पास एक ड्रोन था, जिससे देखा गया कि एक व्यक्ति घायल हो गया और कमरे में सोफे पर बैठा है। उसने ड्रोन पर एक छड़ी फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद टैंक ने एक और गोला दाग दिया, जिसमें उस व्यक्ति यानी कि यह शनिवार की मौत हो गई। माना जाता है कि इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों के बीच समझौते के बीच शनिवार बाधा बना हुआ था। ऐसे में शनिवार की मौत ने बातचीत फिर से शुरू होने के बारे में उम्मीद को बढ़ा दिया है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमास में शनिवार की जगह कौन लेगा।